हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है कहानी सबकी। और मैं हूं अनीश, और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसके बिना कोई भी खिलाड़ी मैदान पे नहीं उतरता है। और खेल चाहे कोई भी हो, एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम जुड़े बिना शायद कोई खिलाड़ी रहा हो। वह कंपनी का नाम है एडिडास। जी हाँ, आज मैं एडिडास के बारे में आपको बताऊँगा, उसकी पूरी कहानी, जैसे वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से आगे बढ़ा और किस तरीके से आज यहाँ एक ब्रांड बनकर उभरा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस एडिडास की कहानी। एडिडास ब्रांड के पीछे दो भाइयों की मेहनत है। बाथरूम में बैठकर जूते बनाने से शुरू हुआ यह सफ़र आज पूरी दुनिया में पहुँच चुका है। आज एडिडास स्पोर्ट्स का हर सामान बनाता है। एडिडास ब्रांड का मुख्य प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स शूज़। इसे बनाया है एडोल्फ डेसलर ने। जर्मनी में रहने वाले 20 साल के इस युवा ने सोचा कि स्पोर्ट्स शूज बनाया जाए। उसने लक्ष्य लिया कि दुनिया के हर खिलाड़ी उनके बनाए शूज पहनकर खेले। हालांकि ये लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हुआ, पर ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें एडिडास का नाम जुड़ा ना हो। एडोल्फ अपने भाई रुडोल्फ के साथ मिलकर बाथरूम में हाथ से शूज बनाते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये बाथरूम प्रोडक्ट दो बड़ी कंपनी में बदल जाएगी। एडोल्फ ने एक ही लक्ष्य रखा था, ग्राहकों को ठीक से सुविधा देना है। उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर सलाह लेना शुरू किया और इसी साल 1952 में उन्होंने दुनिया का पहला स्पाइक शूज बनाया। यहीं से ब्रांड एडिडास स्पोर्ट्स ब्रांड एक बन गया। तो जाहिर है, स्पाइक्स पहनकर कोई ऑफिस या फिर पिकनिक नहीं जाएगा। तो 1927 में दोनों भाइयों ने कारखाना खोला और 1928 में कंपनी का टर्निंग पॉइंट रहा। एम्स्टर्डम ओलंपिक में खिलाड़ियों ने एडोल्फ के बनाए शूज पहने और इसके बाद 1936 में ओलंपिक में बर्लिन मई जेसिन ओवेंस ने यही शूज पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीते। बस डेसलर को पैर मिल गए, वह अपने आप दौड़ने लगा। स्पोर्ट्स वर्ल्ड शूज का दीवाना हो गया और डेसलर गोल्डन शूज बन गया। उस दौर में शूज का नाम डेसलर था। लेकिन अच्छा वक्त हमेशा रहता नहीं है फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स मुकाबले की तरह दोनों भाइयों में विवाद हो गया और 1948 में यहीं से दुनिया को दो बड़ी कंपनीज मिल गई। एडोल्फ डेसलर ने एडिडास और रुडोल्फ ने प्यूमा नाम से बिजनेस शुरू किया। एडिडास अब भी स्पोर्ट्स शूज में बादशाह है। 1987 में डेसलर के वारिसों ने कंपनी बेच दी, पर नाम अब भी बाकी है। 2006 में मैराथन रेस की तरह एडिडास ने रिबॉक को भी खरीद लिया और ये जो सौदा हुआ ये 11.8 अरब में सौदा हुआ। आज एडिडास करीब 15 अरब यूरो की बिक्री करता है और करीब 50,000 कर्मचारी उनके अंडर काम करते हैं। भाइयों की कट्टर दुश्मनी यानी कि रुडोल्फ एंड एडोल्फ की दुश्मनी का लोगों ने खूब मज़ा लिया। जब लोग एडोल्फ की कंपनी एडिडास के जूते रुडोल्फ के पास पहन के जाते थे तो वो बहुत गुस्सा हो जाते थे और अपनी पूमा का शूज फ्री में दे देते थे लोगों को, क्योंकि उन्हें एडिडास देखते ही नफरत पैदा हो जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी एडिडास की, जिसने दुनिया में स्पोर्ट्स की एक्सेसरीज को अलग पहचान दिलवाया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर से कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दूसरों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही कहानी आपको डेली मिले। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।